हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप कि आप लोग को जो मेरा प्रीवियस वीडियो था जिसमें मैं बताया था कि एक्लिप्स कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि मेवन का सेटअप आप लोग कैसे करें एकदम स्टार्टिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपका मदद कर सकूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे ही अगर आप लोग एक्लिप्स ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक है क्रिएट ए न्यू जावा प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हमें एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं या फाइल पे जाके न्यू पे जाके और जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दें। और यहाँ प्रोजेक्ट नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं अभी देता हूँ इंट्रोडक्शन, और ये जैसे है एज इट इज रहने दीजिएगा। और मेक श्योर कीजिएगा कि आपके लैपटॉप में जावा भी इंस्टॉल्ड है पहले से। तो मैं वही सोच के वो बता नहीं रहा हूँ जावा कैसे इंस्टॉल करते हैं वगैरह वगैरह, और कैसे जावा होम सेट करते हैं। अगर मैं वो बता नहीं रहा हूँ तो फिर ये और भी लंबा हो जाएगा, इसी वजह से मैं वो नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ चाहिए रहेगा तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं उसमें आपका हेल्प कर दूंगा। तो यहाँ पे जो ये है यूज एन एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट JRE, तो इसको बाई डिफॉल्ट जो आ रही रहने दीजिएगा। सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे जब हायरार्की बनेगा तो इंट्रोडक्शन जो है ये अपना जावा प्रोजेक्ट बनेगा और उसके अंदर SRC करके डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा। तो आप फिनिश पे क्लिक कर दें। तो देखिए अब ये जो अपना प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, तो सिंपली आप इसको कट कर लें। और यहाँ देखिए ये इंट्रोडक्शन करके आ गया हुआ है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन करके आ गया ये जो जावा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये जो जावा प्रोजेक्ट है ये एक बेसिक जावा प्रोजेक्ट है, इसको सिलेनियम के बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये कैसे सिलेनियम के बारे में जानेगा, क्या करेगा, वो सारा कुछ अभी हम लोग समझेंगे। तो जब जावा, ये तो सिंपल जावा है लेकिन हम लोग ये लिखना है सिलेनियम का कोड। तो अगर हम लोग सिलेनियम का कोड लिखेंगे तो इसे तो समझ में आएगा नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मेवन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चले मेवन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन पे राइट क्लिक कीजिएगा, आई मीन जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम रहेगा प्रोजेक्ट नेम पे राइट क्लिक कीजिएगा और राइट क्लिक करके कन्फिगर पे आ जाइएगा। जैसे ही कन्फिगर पे आप देखिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं कन्वर्ट टू मेवन प्रोजेक्ट, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक आएगा ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट वर्जन पैकेजिंग। तो फिलहाल ये अभी मैं नहीं बताता हूँ और ना ही मैं इसे फिनिश करता हूँ, मैं ले चलता हूँ आपको मेवन के रिपोजिटरी पे। तो इसके लिए आपको ओपन करना होगा अपना ब्राउजर और यहाँ पे लिखिए आप मेवन रिपोजिटरी, और जो पहला आता है पहले पे क्लिक कर ले। अब देखिए यहाँ ये एक रिपोजिटरी है जहाँ पे सारा जार्स वार्स ये सारा कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिलेनियम जावा। तो जैसे हम लोग सिलेनियम जावा लिखते हैं तो सबसे पहले ये आ गया सिलेनियम जावा का, तो आप इस पे क्लिक कर लें। और देखिए यहाँ पे ये जावा का आई मीन सिलेनियम जावा का सारा वर्जन से यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक कर लें। अब देखिए जैसे ही लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ डिपेंडेंसीज फाइल है 4-5 लाइन की। तो मैं बताता हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ से जार्स जो है यहाँ व्यू ऑल करेंगे तो यहाँ सारे जार दिखे, इस जार को भी उठा के आप चाहें तो अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं या यहाँ से ये जो है ये डिपेंडेंसी को कॉपी करके भी आप डाल सकते हैं। और जैसे ही डिपेंडेंसी का फायदा ये है कि जब भी आपका लेट सपोज कि आज से 1 साल बाद अगर आप जार डाल रहे हैं तो मैं भी हो सकता है कि और भी लेटेस्ट जार आए लेकिन आपका जार अपडेट बार बार आपको करना पड़ेगा मैनुअली। लेकिन अगर ये डिपेंडेंसी अगर आप डाल देंगे वहाँ पे तो ये क्या करे ऑटोमेटिकली ये रिट्राइव कर लेगा जो भी लेटेस्ट जार होगा। तो सिंपली आप इसको कॉपी कर लें। अब मैं बताता हूँ ये आपको कहाँ पे डालना है, कैसे ये करना है। ये कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद आप आ जाए और देखिए यहाँ पे सेम ये दिया हुआ ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट आईडी फिर वर्जन पैकेजिंग वगैरह है, तो यहाँ पे भी आपको सेम मिल जाएगा, यहाँ पे भी सारा कुछ लिखा हुआ है। तो आपको ये अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से डालना है, तो ये आप ऐसे एज इट इज रह के फिनिश पे क्लिक कर दें। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, पहले भी जो था ये हमारा ये तो फाइल तो पहले से था लेकिन जब हम लोग कन्वर्ट कर दें इसको मेवन में तो हमारे पास ये कुछ एक दो फाइल एक्स्ट्रा है। और ये जो pom.xml है ये हार्ट है जो मेवन का हार्ट होता है, तो यहाँ पे ये pom.xml फाइल खुल के आ चुका है। तो सिंपली यहाँ पे देखें तो ये वर्जन के बाद हमें डिपेंडेंसी ऐड करना है, तो हमें मल्टीपल डिपेंडेंसी भी ऐड करने हो सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग डिपेंडेंसीज ऐड करें। यहाँ पे जैसे देख लीजिए यहाँ प्लगइन एक ऐड किया हुआ है, इसमें अगर हम लोग मल्टीपल भी प्लगइन ऐड करना चाहें इसी के लिए ये जो है प्लगइन्स है जो कि क्रूलर फॉर्म है ताकि इसके अंदर हम मल्टीपल प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। पहले देखिए आया डिपेंडेंसीज और यहाँ एंटर क्लिक कर दे आया। अब यहाँ पे जो आप कॉपी किए थे जो आप यहाँ से कॉपी किए हुए इसको सिंपली पेस्ट कर दें। तो ये देखिए ये हमारा एक डिपेंडेंसी है, तो ये कॉपी करके अब जैसे ही सेव पे क्लिक करते हैं Ctrl+S, तो यहाँ देखिए ये बिल्डिंग स्टार्ट हो चुका है और ये सारा जार्स जो रिक्वायर्ड जार्स से ये सारा कुछ डाउनलोड कर लेगा। अभी ये अभी 62% ही ये होता है, तब तक अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। जो नेक्स्ट हमें और एक ये करना है वो है टेस्ट इंजिन।
तो TestNG के बारे में हम आगे बताऊंगा। और TestNG बेसिकली ये भी टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंसी में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे TestNG। तो यहाँ देखिए ये सबसे पहला आया TestNG, आपको इस पर भी क्लिक करना है सिंपल 7.6.1 जो लेटेस्ट वर्जन, इस पर क्लिक करके इसका भी डिपेंडेंसी को ऐड कर लें आप। यहाँ से कॉपी कर लें और जैसे कि ये डाउनलोड हो रहा है, अभी देखिए यहाँ डाउनलोड हो रहा है, तो ये सिलेनियम का जो जार से सारे को डाउनलोड कर रहा है। और ये देखिए मेवन डिपेंडेंसीज के अंदर ये सारा कुछ डाउनलोड कर रहे हैं सेलेनियम के जार्स। अब यहाँ इसके अंदर में हम लोग ऐड कर देते हैं TestNG वाले भी और इसको सेव पे क्लिक कर लेते हैं। अब आता है सेलेनियम वेब ड्राइवर, हालांकि ये करने की जरूरत नहीं है अभी। सो बेसिकली ये कुछ टाइम लगेगा और आपका जो भी यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर जितने भी जार्स आएंगे वो ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, तो सारे जार्स आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि सारे जार्स आए हैं या नहीं। तो हम लोग जैसे सेकंड में डाले थे TestNG, तो यहाँ TestNG का जार हम लोग देख लेते हैं। और देखिए TestNG का जो जार है ये आ चुका है, और यहाँ देखिए 7.6.1 जो वर्जन था यहाँ 7.6.1 वर्जन आ चुका है। और बेसिकली जो सिलेनियम का था 4.6.0, तो यहाँ सिलेनियम का भी 4.6.0 वाले सारे वर्जन आ चुके हैं, सारे जार आ चुके हैं। तो बेसिकली बस इतना बेसिक सेटअप करना रहता है हमें पॉन डॉट एक्सएमएल में, ताकि हम लोग अपना जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट को बताएंगे कि ये सिलेनियम का कोड है, ताकि वो इंटरेक्ट करे सिलेनियम से, वेब ड्राइवर ये सब ओपन करे और अपना जो भी जेसन फाइल में रहेगा, जो कन्वर्ट करे जेसन फाइल में आएगा, उसको एग्जीक्यूट वगैरह करे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोग मतलब ब्राउजर ओपन करेंगे वगैरह वगैरह, सारा कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही बताने वाला था कि कैसे आप मैवेन का प्रोजेक्ट को एकदम स्क्रैच से कैसे सेटअप करेंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।